हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल का बेसिक, एक्सेल होता क्या है और इसमें किस टाइप्स के वर्क किए जाते हैं और किस तरह से किए जाते हैं। तो एक्सेल क्या होता है? एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा बनाया गया एक पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है, जिसमें डाटा एंट्री रिलेटेड सारे वर्क करते हैं। इसमें तीन तरह के फंक्शन आते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन एंड टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकल में जितने भी आपके मैथ्स के फॉर्मूला होते हैं वो आते हैं। लॉजिकल में जैसे आपको टैक्स लगाना है या फिर डिस्काउंट वगैरह, बोनस वगैरह निकालना है, तो वो आपके लॉजिकल के अंडर में आ जाएंगे। और टैक्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो वो आपके टेक्स्ट फंक्शन के अंदर में, फॉर्मूला के अंदर में आ जाएगा। तो तीन तरह के फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? पहला है आपका मैथमेटिकल, टेक्स्ट फंक्शनल एंड लॉजिकल। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेल में किस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो एक्सेल में ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स को बोला जाता है शेल। एक सेल कैसे बनता है? एक सेल कॉलम और रो के इंटरेक्शन से बनता है। इस तरह की जो लाइनिंग है ये आपकी कॉलम कहलाती है। जो आपकी कौन सी लाइनिंग है? वर्टिकल लाइनिंग है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होती है इस तरह की, ये आपकी कहलाती हैं रो। तो इस तरह से एक सेल कॉलम और रो के इंटरेक्शन से बनता है। अब हर एक सेल का एक सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस को हम उसका नेम भी बोल सकते हैं। सेल एड्रेस या उसका नेम हम कैसे देखते हैं? देखिए, सेल एड्रेस और नेम को देखने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया रहता है जहाँ पे सेल एड्रेस लिखा रहता है। अब आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि इसका सेल एड्रेस क्या है। तो इस पर देखने के बजाय आप कॉलम और रो नंबर से भी इसको जान सकते हो। जो आपका अल्फ़ाबेटिकल होता है वो सेल एड्रेस नेम में, यानी नेम बॉक्स में ये पहले आता है, इसके बाद आपका रो नंबर आता है। जैसे यदि पूछा जाए इसका सेल एड्रेस क्या है, तो ऊपर से आपको दिख रहा है कॉलम नंबर, आपको दिख रहा है F, और ये आपको रो नंबर दिख रहा है 1। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया? F1। यदि इसका पूछा जाए तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया? C8। तो इस तरह से सेल एड्रेस में सबसे पहले आपका कॉलम नंबर आता है, इसके बाद रो नंबर आता है। दूसरा टॉपिक है आपका सेल रेंज। ये तो हो गया सेल, सेल रेंज। दो या दो से अधिक सेल को सेलेक्ट करना सेल रेंज कहलाता है। इसको आप को यदि लिखना है तो आप कैसे करोगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू A1। तो देखिए आपका क्या सेलेक्ट हो गया, ये वाला आपका सेलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका सेल एड्रेस क्या है? A1। यदि आपको पूरा सेल रेंज यहाँ पे डालना है तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट सेल और लास्ट सेल का एड्रेस लिखकर उसके बीच में फुल कॉलम का साइन लगाते हैं। जैसे यदि हम यहाँ तक सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट सेल एड्रेस क्या है? A3। एंड लास्ट सेल एड्रेस ये आपका हो जाएगा E और इधर से 12। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके दिखाते हैं। इक्वल टू आपको कहाँ तक सेलेक्ट करना है? A1 से, और मैंने बोला फुल कॉलम लगाना है आपको, और कहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है? F12। तो इस तरह से देखिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन आ चुका है। याद रखिएगा, जब भी आपको सेल रेंज सेलेक्ट करना हो तो फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद फुल कॉलम लगाते हैं और लास्ट सेल का सेल एड्रेस लिखते हैं। इस तरह से आपका पूरा सेल रेंज सेलेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार आ जाता है। जो भी आप यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करोगे तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला लिखकर दिखाएगा, तो इसको हम बाद में सीखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये सीट दिया हुआ है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, जितने भी सेल सेल रेंज सारे दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है सीट, जिसका पूरा नाम है वर्क सीट। 2007 या 10 के एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन होते हैं। ये आपका 2011 का है, तो यहाँ पे एक सीट ही दिख रहा है। एक सीट पर कितने कॉलम होते हैं और कितने रो होते हैं? तो एक सीट पर पूरा कॉलम की संख्या जो होती है वो होती है XFD। आप कैसे देख सकते हो? कंट्रोल के साथ आप क्या करोगे, राइट एरो प्रेस कीजिएगा, तो जो भी आपका लास्ट सेल एड्रेस है वो आपका दिखेगा। कंट्रोल के साथ लास्ट एरो, तो ये देखिए आपका XFD आ गया है।
अब आपको रो देखना है तो रो होता है आपका टोटल 10,48,576। तो आपको लास्ट रो आपको देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिएगा तो ये आपका लास्ट रो संख्या आपको दिख जाएगी। तो कितनी रो है, 10,48,576 और कॉलम की संख्या है आपकी XFD। यदि आपसे पूछा जाए लास्ट सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, तो लास्ट सेल कहाँ है, लास्ट सेल आपका ये वाला हो गया, इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये लास्ट सेल का सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, ऊपर से XFD और इधर से आपका हो जाएगा 10,48,576। इस तरह से आप नेम बॉक्स में भी देख सकते हो इसका जो सेल एड्रेस आ रहा है ये आपका XFD 10,48,576 आपका आ रहा है। तो एक सीट पे कितने आपके होते हैं, 10,48,576 रो और XFD आपके कॉलम होते हैं। आपको होम पे जाना है, दोबारा से क्लिक करिए कंट्रोल अप एरो एंड आपके लेफ्ट एरो, तो इस तरह से आपके फर्स्ट सेल पे आपका कर्सर आ जाएगा। यदि आपको मल्टीपल सीट को इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, क्लिक कर करके आप इसको इंसर्ट करा सकते हो चाहे जितना। यदि आपको सीट का नेम चेंज करना है तो राइट क्लिक कीजिएगा माउस का और यहाँ पे दिया हुआ है रीनेम, यहाँ पे जो भी आप डालना चाहते हो यहाँ नाम डाल सकते हो। इसके अलावा यदि आपको किसी सीट को डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, डिलीट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे यदि आपको सीट को इंसर्ट कराना है, यहाँ पे इंसर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। यदि आपको करना है सीट को प्रोटेक्ट तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट सीट का, इस पर क्लिक करके ये पूछ रहा है आप पासवर्ड क्या डालना चाहते हो, तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा अपना और क्या क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप रो को डिलीट कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे चेक कर करके जो भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, यहाँ पे आपका कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ भी आप टाइप करोगे तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड सीट का ऑप्शन दिखेगा। अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाइएगा, दोबारा से अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा प्रोटेक्ट की जगह पे, इस पर क्लिक कीजिएगा और अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा जिससे आपका जो सीट है वो आपका अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि वर्कबुक किसको कहते हैं, मल्टीपल सीट के कलेक्शन को वर्कबुक कहते हैं, जिस पे हम वर्क करते हैं वो हमारा वर्कशीट होता है, जब ढेर सारी शीट का कलेक्शन बन जाता है तो वो हमारा वर्कबुक कहलाता है। तो क्या क्या किसी का यहाँ पे नेम बॉक्स डालना सीखा कि कैसे हम सेल एड्रेस को देखते हैं, किस तरह से हम सेल एड्रेस को सीखते हैं, पहले आपका आता है कॉलम नंबर, उसके बाद रो नंबर, सेल रेंज लिखने के लिए फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल के बीच में क्या करते हैं, फुल कॉलम का शाइन लगाते हैं, यहाँ पे सीट दिया रहता है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन, इस पर प्लस प्लस करके आप सीट को क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, इसके साथ ही सीट का जो भी आप नेम चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम नंबर लिख सकते हैं, कैसे टेबल लिख सकते हैं, कैसे डे और डेट वगैरह डाल सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। काउंटिंग लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1 एंड इसके आपके बगल में लिखना है 11, यहाँ पे आपको लिखना है 2 और यहाँ पे आपको लिखना है 12। तो इसकी एक सीरीज़ बन गई है, मतलब ये समझ जाता है इसके दोनों के बीच में 10 का डिफरेंट है और इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। इस चारों को आपको सेलेक्ट करना है और ये जब पतला वाला प्लस का साइन आता है, देखिए मोटा वाला नहीं, इस तरह पतला वाला तीन वाला आपका जब प्लस का साइन आता है तो इस तरह से आपको ड्रैग कर देना है जितना भी आपका नंबर दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ 91 लिखा हुआ है, तो यहाँ तक हमें चाहिए, तो यहाँ तक हम कर देते हैं, फिर इसको लास्ट में दोबारा से पकड़ के नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए 9 लिखा है, यहाँ हमको 10 तक चाहिए, तो इस तरह से आपका काउंटिंग आ चुका है। अब आपको टेबल लिखने के लिए क्या करना है, सिंपली वही चीज़ें आपको दोहरानी है बट उसकी गैपिंग जो सीरीज रहेगा वो आपका डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे हमने कर दिया 2 और इधर कर दिया 3, नीचे लिख दिया हमने 4 और इधर लिख दिया 6। तो ये सीरीज समझ क्या है, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। चारों को करना है सेलेक्ट,
आपको करना है ड्रैग, जब आपका पतला वाला प्लस का साइन आता है, जितना भी आपको चाहिए टेबल, यहाँ पे देखिए 7 लिखा है, यहाँ देखिए 8, 9 एंड 10, तो यहाँ तक 10 तक आ चुका है, फिर आपको नीचे की तरफ से ड्रैग करना है। तो इस तरह से आपका टेबल तैयार हो गया। आपका 18 तक आया है, एक और यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, तो इस तरह से आपका टेबल तैयार हो गया। यदि आपको लिखना है कुछ वीक नेम या डे नेम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फर्स्ट आपका जो वीक नेम है वो आपको डालना है, या मैंने डाल दिया संडे। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया संडे और यहाँ पे लिख दिया आपका मंडे। दोनों को आपको सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आपको ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका वीक नेम आ चुका है। यदि आपको इसको शॉर्ट में करना है तो इसको आप शॉर्ट में लिखिए, यहाँ मैंने लिख दिया सन और इसमें लिख दिया मॉन। दोनों को सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आपको ट्रैक कर देना है। तो इस तरह से आपका शॉर्ट में आ चुका है। यदि आपको लिखना है मंथ नेम, तो इस तरह से दोबारा से आप कीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि जो स्पेलिंग है आपकी वो सही होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया जनवरी और यहाँ हम लिख देते हैं फरवरी, ठीक है। स्पेलिंग सही होनी चाहिए वरना वो नहीं कमांड लेगा। दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं और नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। यहाँ देखिए आपका लिख के आ रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड यहाँ पे दिसंबर। तो इस तरह से आपका आ चुका है। यदि आपको इसको शॉर्ट में लिखना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ लिख देते हैं जैन और यहाँ लिख देते हैं फैब। दोनों को करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे हम कर देते हैं ड्रैग। तो यहाँ पे देखिए आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।